हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा पकौड़ा बना के तैयार करेंगे। तो उतने टाइम जो कोई हम लोगों के चैनल पे न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ये जो पकौड़ा है, इसे हम लोगों के यहाँ तरुआ बोला जाता है, जिसे हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सा और टेस्टी सा बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बहुत सारे सब्जी ले लिया है, जिसका हम लोग पकौड़ा बना के तैयार करेंगे। तो देखिए, इन सभी चीज़ों का हम लोग पकौड़ा बना के तैयार करेंगे। तो हम लोग ये जो पकौड़ा बना रहे हैं, ये पुराने ज़माने के तरीके से बन के तैयार होगा, तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा। तो ये जो पकौड़ा बनाएंगे, तो हम लोग पिराड लिए हैं इसे बनाने के लिए, फिर परवल, फिर आलू और फिर कद्दू लिए हैं। तो ये पिराड है, इसे अच्छे तरीके से धो के इस शेप में कट कर लेते हैं, और परवल को भी अच्छे तरीके से धो के फिर उसे भी दो टुकड़े में कट कर लिए हैं। इधर आलू का भी छिलका निकाल लेते हैं और इसे भी अच्छे तरीके से कट कर लेते हैं। तो इसे हम लोग बड़े बड़े पीसेस में कट करेंगे। तो इसे अच्छे तरीके से कट कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग पकौड़ा बनाते हैं, तो आलू का साइज़ जो है बड़ा बड़ा रहना चाहिए और परवल का भी साइज़ थोड़ा बड़ा बड़ा रहना चाहिए। हमें छोटा आलू या फिर परवल नहीं लेना है। तो देख ही सकते हैं कि हम लोगों का परवल, आलू, पिरार और कद्दू भी जो है कट के तैयार हो चुका है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पकौड़ा बना के तैयार करेंगे। तो इधर हम लोग चावल लिए हैं, इसे हम लोग पानी में भिगो कर रख दिए थे। आप लोग देख ही सकते हैं कि ये जो चावल है, इसमें हम लोग दो हरी मिर्च और एक लाल मिर्च है। तो देख ही सकते हैं, इसे हम लोग ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेते हैं। तो आप लोगों को हम लोग बताए थे कि हम लोग पुराने ज़माने वाले तरीके से बना के तैयार करेंगे। अभी के टाइम में तो ये बेसन से बन के तैयार होता है, और पुराने ज़माने में चावल के आटे से, यानी कि चावल के पिठार से ये बन के तैयार होता था। तो इसमें हम लोग हरी मिर्च और फिर वो जो चावल था, उसे हम लोग ग्राइंड कर लिए थे। तो उसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और फिर मिर्ची पाउडर एक छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर एक छोटी चम्मच, इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। चावल को जो है हम लोग एक घंटे पहले ही पानी में भिगो के रख दिए थे, और जब बनाने की बारी आई तब हम लोग इसे बना लेंगे। तो हम लोग गैस को ऑन कर लेते हैं और उसमें कढ़ाई चढ़ा देते हैं। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तब हम लोग उसमें सरसों का तेल डाल देंगे और उसमें परवल को अच्छे तरीके से उस मिक्सचर में डुबो डुबो कर इसे तल लेंगे अच्छे तरीके से। आप लोग ध्यान ही रखिएगा कि वो जो चावल का जो बैटर है, उसे ना ही ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। इसे मिडिल कंसिस्टेंसी पे ही हमें रखना है। अगर आप लोग इसे मिडिल कंसिस्टेंसी पे रखेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी सा बन के तैयार होगा। तो आप भी इसे ज़रूर ही बनाइएगा, और आप लोगों को हम लोगों का वीडियो कैसा लगता है कॉमेंट में भी बताइएगा। मिथिलांचल में तो ये जो तरुआ है, ये फेमस है। इसे हम लोगों के यहाँ तरुआ बोला जाता है इस पकौड़े को। तो आप लोगों के यहाँ इसे क्या बोला जाता है, तो आप लोग भी इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा कि इसे मिडिल फ्लेम पे ही अच्छे तरीके से तल लेना है। तो ये जो है तल के रेडी हो चुका है, तो इसे अब हम लोग निकाल लेते हैं और फिर इसमें और सारा बना लेते हैं। आपको जितना सारा बनाना है, आप उतना सारा बना के इसे तैयार कर सकते हैं। मिथिला में अगर कोई भी फेस्टिवल होता है, तो ये जो तरुआ है, यानी कि ये जो पकौड़ा है, ये बनता ही बनता है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ही बनाइएगा। और ये जो है, अब हम लोग आलू के तरुए को तल लेते हैं, यानी कि आलू के पकौड़े को। तो ये भी जो है तल के रेडी हो चुका है। इसे हम लोग मिडिल फ्लेम पे ही तल रहे हैं। अगर इसे हाई फ्लेम पे तलेंगे, तब ये ऊपर से तो अच्छा दिखेगा, लेकिन अंदर से ही कच्चा ही रहेगा। तो इसीलिए इसे मिडिल फ्लेम पे ही तलना है, ना ही इसे स्लो पे तलना है। तो देख ही सकते हैं कि इसमें जो हम लोग है कद्दू के तरुए को उस बैटर में डुबो के अच्छे तरीके से तल लेते हैं। तो इसे हम लोग बारी बारी करके अच्छे तरीके से बहुत सारे तरुए को तल लेंगे, और बीच बीच में पलटाते भी रहेंगे। अगर नहीं पलटाएंगे तो ये एक तरफ से जल जाएगा, तब ये अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो इसे पलटाते भी रहना है। तो ये जो है कद्दू का भी तरुआ बन के रेडी हो चुका है। तो इसमें अब हम लोग वो जो पिराड़ है,
उसे भी उस चावल के बैटर में अच्छे तरीके से डुबो करके डाल देते हैं और सभी को अच्छे तरीके से तल लेते हैं। हम लोगों के घर में ये जो तरवा है यानी कि ये जो पकौड़ा है बहुत किसी को पसंद है, तो इसीलिए हम लोग बना रहे हैं। आप लोगों को ये तरवा कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। और आप लोग बहुत सारा पकौड़ा खाए होंगे, तो आप लोगों का फेवरेट पकौड़ा कौन सा है वो भी हम लोगों को कमेंट में बताइएगा। तो इसे अच्छे तरीके से हम लोग पिराड़ को भी तल लिए हैं और ये जो है हम लोगों का सारा पकौड़ा बन के रेडी हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारा सा बन के तैयार हुआ है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ही बनाइएगा। तो ये जो है हम लोगों का सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस सा पकौड़ा बन के रेडी हो चुका है।